क्या होगा गाइस जब ट्राइबल चीफ खुद से ही फाइट करेंगे। ऐसा मैच के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए सब पॉसिबल है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ करंट ट्राइबल चीफ वर्सेज ओल्ड ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का मैच के बारे में। ये मैच करवाएंगे, एक टेबल मैच, देखते हैं भाई कौन जीतेगा। यहाँ पर भाई साहब एंट्रेंस हो चुकी है हमारे करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की, और अब बारी है ओल्ड ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की। भाई देखते हैं कैसे है। तो लो भाई साहब, आ चुके हैं ओल्ड रोमन रेंज WWE चैंपियनशिप बेल्ट लेकर भाई, और खतरनाक स्वैगर लेकर आए हैं भाई ओल्ड ट्राइबल चीफ। भाई ओल्ड हो जाएंगे बट इनका स्वैग वैसा ही वैसा होने वाला है। क्या स्टेमिना भी भाई वैसा का वैसा रहेगा? क्या ये करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को हरा सकेंगे? तो भाई वो तो देखेंगे इस मैच में। और एक ट्विस्ट भी होगा भाई इस मैच में, वो ट्विस्ट क्या होगा वो तो आपको इस मैच में देखने को मिलने वाला है। तो चलो फटाफट से मैच को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। चलो भाई साहब मैच हो चुका है स्टार्ट, और एक टेबल मैच है हमारे करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस ओल्ड रोमन रेंज। भाई दोनों रोमन रेंज के पास मैंने दो दो फिनिशर छोड़ी है, और जोन सा भी पहले टेबल्स को ब्रेक कर देगा वो ही इस मैच का विनर हो जाएगा। भाई साहब डिफिकल्टी लीजेंड पे है भाई, कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर है। देखते हैं ओल्ड रोमन रेंज जीते या फिर हमारा करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जीते। भाई साहब लो भाई साहब ओल्ड रोमन रेंज ने लगा दिया गिलिटिन। भाई साहब पहली फिनिशर्स यूज कर दिए ओल्ड रोमन रेंज ने, भाई पहले ही अपनी फिनिशर लगाई है भाई। ओल्ड एज में क्या खतरनाक स्ट्रेटजी लगाई है भाई रोमन रेंज ने। और भाई अगर आपने एंट्रेंस देखी होगी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ओल्ड रोमन रेंज भाई WWE चैंपियनशिप बेल्ट लेके आ रहे थे। मतलब यार अब देखा जाए ना कि अभी तक जो रोमन रेंज है ना, अभी तक उन्होंने अपनी WWE चैंपियनशिप बेल्ट अपने डिफेंड की है, किसी से भी हारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई ये रोमन रेंज इन दोनों बेल्टों को भाई ओल्ड एज तक रखने वाले हैं। तो तभी मैंने भाई जो ओल्ड एज के रोमन रेंज है उन्हें WWE चैंपियनशिप दे दी है भाई, और WWE यूनिवर्सल चैंपियन मैंने दिए है रोमन रेंज को जो करंट ट्राइबल चीफ है भाई। तो भाई इसी हिसाब से मैंने देखी, क्या ये फनी वे भाई आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने सोचा कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोमन रेंज ओल्ड एज तक ही टाइटल को रखने वाले अपने साथ। ओ भाई बैरिकेड कर लगा दिया भाई ओल्ड रोमन रेंज ने। भाई क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं भाई, ओल्ड हो चुके हैं बट दिमाग शैतानी लगा रखे हैं भाई। ओ भाई साहब टेबल्स लेके आ चुके हैं हमारे करंट रोमन रेंज, और क्या करेंगे टेबल सेट करेंगे ऑफ कोर्स। लो भाई साहब टेबल सेट कर दी है, ओल्ड रोमन रेंज आ गए हैं रिंग के अंदर। क्या लगाएंगे फिनिशर्स टेबल के ऊपर, ब्रेक कर पाएंगे? लो भाई उठा लिया है ओल्ड रोमन रेंज को, और ये लो भाई ये क्या ग्लिच था भाई साहब, खतरनाक क्या ग्लिच था भाई, हवा में थे ओल्ड रोमन रेंज। वाह भाई वाह, गाइस इस ग्लिच के लिए लाइक तो बनता है भाई। देखो क्या खतरनाक ग्लिच भाई ओल्ड रोमन रेंज के पास, सुपरमैन वाली पावर आ गई, हवा में उड़ रहे थे। वाह नहीं तो भाई कसम से भाई टेबल्स ब्रेक हो ही जाने वाली थी भाई, करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जीत जाते हैं भाई साहब, खतरनाक सुपर पावर का यूज करते हुए ओल्ड रोमन रेंज। भाई लो भाई दो दो टेबल आ चुकी है, अब देखते हैं कौन सी टेबल ब्रेक होगी, बट फिलहाल के लिए दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। भारी कौन से रोमन रेंज पड़ रहे हैं भाई, देखा जाए तो ओल्ड रोमन रेंज की थोड़ी हेल्थ डैमेज हो चुकी है भाई। हमारे ओरिजिनल क्या करंट रोमन रेंज जो ट्राइबल चीफ बने हुए हैं उनकी हेल्थ अभी बाकी। और भाई साहब तीन फिनिशर्स आ चुके हैं करंट रोमन रेंज के पास, और जो ओल्ड रोमन रेंज है भाई, ओ भाई साहब इनके पास एक फिनिशर नहीं है, और यहाँ पर रोमन रेंज ट्राइबल चीफ करंट वाले देने जा रहे हैं स्पीयर। ओ कनेक्ट हो चुके हैं भाई साहब, स्पीयर दे दी है और स्टंट हो चुके हैं। अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, और भाई साहब दूसरी स्ट्रेटजी अपना लिया, बैक टू बैक दो स्पीयर देने जा रहे हैं ओल्ड रोमन रेंज। ये कनेक्ट हो गई ना तो भाई खतरनाक, अरे भाई कनेक्ट का नाम लेते ही खतरनाक काउंटर रिवर्स कर दिया भाई, ये कनेक्ट नहीं हो पाई। अगर ये कनेक्ट हो जाती है ना भाई साहब तो ओल्ड रोमन रेंज बुढ़ापे में खतरनाक डैमेज ले बैठते भाई साहब। चलो कोई नहीं, मैच खतरनाक देखने को मिला, और भाई साहब लो स्पीयर नहीं लगी तो भाई गिलिटिन दे दिया हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने, और ओल्ड रोमन रेंज को भाई खतरनाक डैमेज दे चुके हैं
क्या टैप आउट करेंगे? नहीं, चलो भाई डैमेज देके ही रोमन रेंस ने छोड़ दिया। अलग ही दिमाग लगा रही और सुपरमैन पंच। वाह भाई, ये रोमन रेंस तो अलग ही अंदाज में पाई। बैक टू बैक सुपरमैन पंच स्पीयर आ रही है भाई साहब। ये तो तीसरी स्पीयर, ये रिवर्स नहीं करेंगे। लो भाई साहब, एक फिनिशर दी, दूसरी इन्होंने काउंटर की एंड तीसरा ग्लिटरिंग देके फिर सुपरमैन पंच देखो और फिर स्पीयर। भाई बूढ़े आदमी पर रोमन रेंस, कुछ तो सोचो बूढ़े रोमन रेंस के बारे में भाई। ट्राइबल चीफ अपने खतरनाक हील कलेक्टर में भाई लगा दिया है टेबल को, क्या ब्रेक करेंगे? लेकिन यहाँ पर भाई नहीं यार, नहीं हो पाएगी क्योंकि ओल्ड रोमन रेंस रिकवर हो चुके हैं। पता नहीं भाई कैसा स्टेमिना लेके आए हैं ओल्ड रोमन रेंस। ओल्ड हो चुके हैं लेकिन स्टेमिना वही बाकी है भाई साहब। लेकिन हमारे ट्राइबल चीफ अभी यहाँ पर बिल्कुल शांत नहीं बैठे हैं। इनको लगी है कि जल्द से जल्द मैच खत्म किया जाए। टेबल को लगा दिया, एकदम सेट कर दिया है और अब बारी है टेबल ब्रेक करने की। लो रोमन रेंस पावर बॉम्ब देंगे। पहले तो बॉडी रेड हो चुकी है भाई साहब ओल्ड रोमन रेंस की, इनके ग्लव्स की तरह भाई। अब बारी है ब्रेक करने की, क्या ब्रेक करेंगे? जल्दी से जल्दी भाई डैमेज पर डैमेज दे रहे हैं। लेकिन भाई रिवर्स किया, खतरनाक। अभी भी भाई पावर बाकी है ओल्ड रोमन रेंस में, लेकिन हमारे ट्राइबल चीफ नहीं चलने देंगे। जितना रिवर्स करोगे उससे खतरनाक तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आपको डैमेज देंगे ओल्ड रोमन रेंस। लो भाई बिग बूट, खतरनाक खतरनाक वापसी भाई ओल्ड रोमन रेंस की। ग्लिटिन लगा दिया है, वाह भाई वाह। करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का भी हेड भाई येलो हो चुका है, डैमेज दे दिया बट रिवर्स किया हमारे करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भाई। क्योंकि दोनों रोमन रेंस है तो भाई करंट और ओल्ड बोलना ही पड़ेगा ना, वरना कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा क्या मूव्स दे रहा है। क्या खतरनाक तरीके से वापसी की है भाई ओल्ड रोमन से। इतनी सारी फिनिशर्स खाने के बाद भी खड़े है भाई, स्टेमिना है इनकी, हेल्थ है भाई साहब एकदम रेड हो चुकी है और हेड है वो ऑरेंज हो चुका है भाई। इतना डैमेज लेने के बाद भी आप देख सकते हो ओल्ड रोमन रेंस में कितना क्या पावर, कितनी क्या स्टेमिना है भाई साहब। एक फिनिशर्स लेके बैठे और एक लो भाई साहब, अगर रिवर्स नहीं किया तो भाई गए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस गए भाई साहब। और अरे भाई खतरनाक एंडिंग भाई, खतरनाक अनबिलीवेबल, लगा नहीं था बिल्कुल भी भाई ओल्ड रोमन रेंस में। और ये क्या भाई, अरे भाई साहब ये क्या, ऑस्टिन थ्योरी आ गए है ओल्ड रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने। वाह भाई वाह, ये तो अनबिलीवेबल था भाई, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। ओ ऑस्टिन थ्योरी भी आने वाले है, क्या मनी इन द बैंक कैश इन करे है क्या? क्योंकि मैंने ओल्ड रोमन रेंस को भाई WWE चैंपियन दे रखी थी भाई साहब। खतरनाक खतरनाक मैच भाई, यहाँ पर ओल्ड रोमन रेंस ने हमारे करंट रोमन रेंस को तो हराया हराया। इसके बाद भाई ऑस्टिन थ्योरी को भी खतरनाक डैमेज दे रहे थे, लेकिन डैमेज काफी ले चुके हैं ना हमारे ओल्ड रोमन रेंस। अब भाई ऑस्टिन थ्योरी क्या करने की सोच रहे, रेफरी है नहीं यहाँ पे, टेबल स्मैश था भाई मैच, ये अनबिलीवेबल था भाई, खतरनाक। और ये क्या पिन कर रहे थे ओल्ड रोमन रेंस भाई, क्या करने की सोच रहे हैं? नीचे जा चुके हैं रिंग के अंदर, क्या लेके आएंगे भाई? ऑस्टिन थ्योरी का भाई साहब खतरनाक अटैक था भाई ओल्ड रोमन रेंस के पास। टेबल निकाल लिए ये भी, और हमारे करंट रोमन रेंस दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे भाई, क्या कहाँ चले गए? ये क्या कर रहे हैं भाई अभी मैच का, क्या दूसरे टेबल ब्रेक करने की सोच रहे हैं क्या हमारे ओल्ड रोमन रेंस? अरे भाई साहब ऑस्टिन थ्योरी ओल्ड रोमन रेंस के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का सही स्ट्रेटजी थी भाई, ऑस्टिन थ्योरी ने सही दिमाग लगाया था। क्योंकि उनको पता है कि जो करंट रोमन रेंस है ना उनके ऊपर तो मैं मनी इन द बैंक कैश इन किया ना, तो मैं मुश्किल जीतूंगा। ओल्ड रोमन रेंस के ऊपर करके देखे क्या पता हो जाए, क्योंकि ओल्ड हो चुके हैं लेकिन उनको नहीं पता रोमन रेंस ओल्ड हो जाए चाहे वो न्यू रहे, रहेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ही, वही स्टेमिना वही पावर रहेगी। और रोमन रेंस को कोई हरा सकता है तो भाई वो खुद रोमन रेंस ही है। यहाँ पर आपको पता लग गया होगा भाई, करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को यहाँ पर ओल्ड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने हराया है भाई। और ये जो ऑस्टिन थ्योरी आया है ना, ये खतरनाक, देखो भाई अभी भी डैमेज दे रहे हैं भाई ऑस्टिन थ्योरी को। ग्लिटिन लगा दिया, टैप आउट करेंगे क्या? खतरनाक ग्लिटिन भाई साहब, खतरनाक। ओल्ड रोमन रेंस की स्टेमिना पावर अभी तक खड़े हुए हैं ओल्ड रोमन रेंस भाई, अभी भी फाइट कर रहे हैं, अभी भी पिट नहीं रहे ऑस्टिन थ्योरी के साथ। ये मैच खतरनाक था भाई। लो भाई डैमेज पे डैमेज दिए जा रहे थे,
लो भाई डैमेज पे डैमेज दिए जा रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी को, अभी भी पिटने का कोई नामो निशान नहीं है भाई, चाहे कितना ही डैमेज ले चुका हो। आपने नहीं देखा कि भाई करंट रोमन रिंस ने भाई कितना खतरनाक डैमेज दे दिया था ओल्ड रोमन रिंस को भाई, तीन तीन तो स्पीयर दे दी थी सुपरमैन पंच ऊपर से। लो भाई दूसरा गिलिटिन, भाई कितने फिनिशर्स बैठे लेके बैठे हैं हमारे ओल्ड रोमन रिंस भाई, दूसरा गिलिटिन दे दिया है भाई। लो ऑस्टिन थ्योरी टैप आउट करेंगे भाई, लग तो रहा है कि टैप आउट कर देंगे, दो दो गिलिटिन ले चुके हैं भाई साहब। चलो टैप आउट तो नहीं किया, छोड़ दिया है, अलग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। स्पीयर देने की ट्राई में थे क्या? नहीं, स्पीयर नहीं देंगे मेरे हिसाब से भाई। टेबल ब्रेक करेगी सुपरमैन पंच, टेबल तो गया दूर, ब्रेक होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस की फिनिशर्स और सिग्नेचर बैक टू बैक आ रही है भाई साहब, बैक टू बैक। रोमन लो ऑस्टिन थ्योरी का हेड पूरा रेड कर दिया है भाई, बॉडी है वो येलो हो चुकी है, खतरनाक डैमेज ऑस्टिन थ्योरी लेके बैठ चुके हैं भाई। ओल्ड रोमन रेंस हारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, खतरनाक मूव्स भाई, क्या करने की सोच रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी? टेबल्स उठाएंगे या फिर फिनिशर्स देंगे? नहीं, कुछ अलग ही दिमाग में चल रहा है, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा भाई, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? बार बार इधर टेबल्स के पास आ रहे हैं, आके जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ओल्ड रोमन रिंस की दाद देनी पड़ेगी भाई, अभी तक खड़े हुए हैं और अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं भाई साहब ऑस्टिन थ्योरी को, इतना खतरनाक डैमेज लेने के बाद भी। दूसरी टेबल्स आ चुकी है, एक टेबल ब्रेक हो चुकी है। ओलो भाई साहब फिनिशर दे दिए क्या? ओ फिनिशर दे दिए भाई साहब ऑस्टिन थ्योरी, और क्या करेंगे, टेबल को सेट करेंगे क्या? नहीं, और डैमेज देंगे ओल्ड रोमन रिंस को भाई, क्योंकि उन्हें पता है अभी रोमन रिंस के साथ मैच हुआ है तो डैमेज तो ले चुके हैं, लेकिन अभी हारेंगे नहीं, और भी डैमेज देंगे। टेबल को सेट कर दिया है, लेकिन हमारे ट्राइबल चीफ, ओल्ड ट्राइबल चीफ भी खड़े हो चुके थे, लेकिन भाई रिवर्स किया, नहीं हारने चाहिए यार ऑस्टिन थ्योरी से, हारना ये गलत बात है। ओल्ड रोमन रिंस, आपने यार करंट रोमन रिंस को हराया है और इसको भी हराया, सेट कर दिया भाई ऑस्टिन थ्योरी को, और अरे यार शिट, रिवर्स किया भाई, लेकिन नहीं, ओल्ड रोमन रिंस रिवर्स का जो आप रिवर्स से भी दिया भाई, खतरनाक क्लोज लाइन, क्या रिवर्स किया भाई, फैन हो गए भाई ओल्ड रोमन रिंस के। और लो भाई पावर बॉम्ब आने वाला है, जी हाँ खतरनाक, अरे भाई साहब ये भाई जो काउंटर कर रहा है ना ऑस्टिन थ्योरी, ये आ रहा लग, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा भाई मुझे तो। ओ भाई फिनिशर देने जा रहे दोबारा से भाई, ओल्ड रोमन रेंज इतने फिनिशर्स ले चुके थे, अरे वाह खतरनाक, क्या काउंटर किया भाई, खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं भाई ऑस्टिन थ्योरी को, इतना डैमेज लेने के लिए भाई बैक टू बैक दूसरा मैच लड़ रहे हैं। कैसिन किया था दिमाग लगाकर ऑस्टिन थ्योरी ने, लेकिन ओल्ड रोमन रेंस हार मानने वाले वैसे नहीं है भाई, इतनी जल्दी तो हारेंगे नहीं भाई, इतने दिनों से अपना टाइटल डिफेंड करते आ रहे, इतने दिग्गज सुपरस्टारों के साथ ऑस्टिन थ्योरी के साथ हार जाएंगे यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और टैप आउट कर दिया भाई ऑस्टिन थ्योरी ने, बट टेबल मैच था, टेबल ब्रेक होना चाहिए भाई, टैप आउट से कुछ नहीं होगा, बट डैमेज ले चुके हैं। अब रोमन रिंस जा रहे हैं भाई टेबल्स को ब्रेक करने, और उठा लिया ऑस्टिन थ्योरी को, बूम। लो भाई साहब बैक टू बैक ओल्ड रोमन रिंस ने दो दो मैच जीत रहे हैं भाई, एंड हियर इज योर विनर एंड स्टिल द WWE चैंपियन ओल्ड रोमन रेंज भाई, खतरनाक। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई ऑस्टिन थ्योरी कैसिन करने वाले हैं, लेकिन दोनों को ही चित कर दिया भाई हमारे ओल्ड रोमन रेंज ने, करंट ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को भी साइड में थे भाई अभी मुझे दिखे, और ऑस्टिन थ्योरी को भी हरा दिया भाई, अनबिलीवेबल मैच था भाई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मनी इन द बैंक कैसिन होने वाला, जितनी ज्यादा एज होती जा रही है ओल्ड रोमन रेंज की, उतने ही खतरनाक हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज बनते जा रहे हैं भाई साहब। आई होप भाई आपको मजा आया होगा आज की इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।